हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? लक्षण एजुकेशन की तरफ से मैं हनु सर। आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज एक बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है परसेंटेज। यानी इतना ज़बरदस्त टॉपिक है कि परसेंटेज के बिना, परसेंट के बगैर आप कोई भी टॉपिक नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका परसेंटेज क्लियर है तो आप सारे टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। है क्या आखिर के परसेंटेज? यदि आपसे बोला जाए 20% क्या होता, तो हम कहेंगे परसेंटेज जब जब गायब होगा नीचे कौन आएगा? आपका 100 आएगा। परसेंटेज गायब हो जाएगा, आप इससे कितनी बार हो जाएगा? ये आएगा 1/5। ठीक है, हम 20% को हम 1/5 भी कह सकते हैं। गलती से आपका आ जाता है 30%। 30% के परसेंटेज गायब होगा नीचे कौन आएगा? आपका 100। और जैसे ही गायब होगा, 0 से 0 गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा। और ये आपका कितना आएगा? 3/10। कहीं भी दिया आपको 62/3%, इसका मतलब क्या होता है? 16 × 3 = 48, 48 × 2 = 50। क्या आ गया? 50/3। ठीक, परसेंटेज हटेगा नीचे कौन आ जाएगा? 100। यानी आप इसको क्या कह सकते हैं? यानी 62/3% को आप क्या कह सकते हैं? 50 छोड़ेगा 2 बार, ये कितना आ जाएगा आपका? 1/6। अगर गलती से प्रॉफिट बोला हुआ तो ये प्लस होता, और लॉस बोला होता तो ये माइनस होता। यहाँ भी प्रॉफिट होता तो प्लस होता, लॉस होता माइनस होता, प्रॉफिट होता तो ये, यानी कुल मिला के बेस कहाँ बचता है आपका? नीचे। आप कह सकते हैं किसी सामान को अगर हमने 6 रुपये में ख़रीदा है तो उसे 1 का प्रॉफिट होगा। तो इसी तरह से इसका CP जो होता है, वो CP कितना, बेस कहाँ बचता है? नीचे। तो CP यानी क्या हो जाएगा आपका? क्रय मूल्य। क्या होगा? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य कितना होगा आपका? 6 इकाई। और प्रॉफिट है आपका 1 यूनिट, तो हम क्या कहेंगे कि इसका SP विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य आपका क्या कहलाएगा? इसमें विक्रय मूल्य की बात करें तो विक्रय मूल्य आपका कहलाएगा कितना? विक्रय मूल्य आपका होगा SP सेलिंग प्राइस। ये कितना होगा? 6 + 1 = 7। तो हम कहेंगे किसी सामान को आपने 6 रुपये में खरीदा है, 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो बेचा कितने में से आपने? आपने से 7 रुपये बेचा। ये तो छोटी छोटी परसेंटेज की कुछ बातें जो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। आगे चल के इन सब का यूज होगा, हम बताएं कैसे कैसे क्या करना है। दुनिया में जो भी होता है सब कुछ क्या होता है? 100%। अब जैसे आपसे बोला जाए 20% लॉस हुआ है, अगर 20% आपका लॉस हुआ है, 20% लॉस हुआ है, तो इसका मतलब जानते हो क्या होता है? 20% लॉस हुआ है तो आपका इसका मतलब है कि आपका 80% के इक्वल है। अगर आपसे बोला जाए कि 20% प्रॉफिट है, तो इसका मतलब है कि 120% के इक्वल होगा। उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा हमें नहीं पता, पर जो संख्यात्मक मान होगा, संख्यात्मक मान क्या होगा वो नहीं पता, पर हमारा परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे प्रॉफिट में 100 में प्लस होगा और लॉस में 100 में माइनस होगा। चलो, इस चीज़ का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लें, नहीं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी चीज़, और अगर आपको बार 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 पहले एक बार एक वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए, समझिए, और जब आपको नोट करना हो तो आप बार बार, दोबारा, 3 बार, जब तक समझ में आना, बार बार देखते रहे, समझ आएगा, पक्का आएगा एकदम। ठीक, अब देखते हैं बातें आगे की। तो आगे की जो बात है उन पर देखें, अगर आपसे बोला जाए 20%, क्या बोला जाए कि 20% आपका लॉस हुआ है। ठीक है, इसको मुड़ा देते हैं। अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्टअप हम करेंगे। अब देखें, अगर बोला जाए आपको कि 20% लॉस है, ये आपका 20% लॉस। अगर 20% लॉस हुआ है, 20% की हानि हुई है, 20% की हानि, इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो 80% के इक्वल है। अगर बोला जाए कि 20% आपका प्रॉफिट है, अगर 20% आपको प्रॉफिट बोला जाए तो 20% प्रॉफिट क्या होता है हमें नहीं पता, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा, पर 20% का संख्यात्मक मान कितना होगा ये हमें नहीं पता, पर जो भी होगा परसेंटेज में ये कितना होगा जनाब? परसेंटेज में होगा ये 120% के इक्वल। यदि प्रॉफिट में हमेशा प्लस रहता है 100 में, और लॉस में हमेशा माइनस रहता है, परसेंटेज जहाँ जहाँ से गायब होता है वहाँ वहाँ 100 आता है। जैसे आपसे बोला जाए X%, तो हम क्या कहेंगे? X / क्या कहेंगे? 100। इतनी सी बातें बस आपको याद रखना है। प्रॉफिट हुआ है तो प्लस होगा, लॉस हुआ है तो माइनस होगा। अब इसे आपको नोट करने की विशेष ज़रूरत है नहीं, जिसको नोट करना वो फटाक से नोट करें, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चीज़ों को। ले लिया स्क्रीनशॉट, हो गया, चलो बढ़िया। अब आ जाए तो सबको समझ में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको समझ में ना आए। सबको हर एक चीज़, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ समझ में आएगी बारी बारी। आगे चल के हम अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे जिसमें और दिखाएंगे, और बेस आपका जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा वैसा और काम होगा। और व्यापम वालों के लिए व्यापम का और अलग से काम करेंगे, पता है, व्यापम वाला अलग से बनाएंगे। अब देखते हैं, इधर देखें। आज आपसे बोला जाए किसी वस्तु को बेचते समय 20% लॉस होता है, 20% लॉस होता है, किसी वस्तु को बेचते समय 20% की हानि है। अब वो कहता है इसकी कीमत को कितने से बढ़ा दिया? अगर इसकी कीमत को, प्राइस, इसकी कीमत को हम मान लेते हैं कि 400 रुपये से हमने बढ़ा दिया, 400 रुपये से बढ़ा दिया, अभी भी इसे क्या हो रहा है? अभी भी इसे लॉस हो रहा है। वो लॉस कितने का है? अभी भी इसे 10% लॉस है। तो उसने पूछा है, बताओ इसका SCP
क्या सीपी क्या सीपी बोले तो इसका क्या होता है क्रय मूल्य क्या क्रय मूल्य अब इसका आपको सीपी बताना सिंपल सा फंडा फिर देखें अगर 20% की उसने बोला किसी वस्तु को बेचते समय 20% की हानि होती है ठीक है और यदि इसकी कीमत को ऊपर तीर का मतलब क्या होता है कि कीमत बढ़ा दी और कीमत कितने से बढ़ा दी 400 रुपए से अभी भी इसे लॉस हो रहा है वो लॉस कितना हो रहा है इसका 10% अब वो कहता है सीपी इसका क्रय मूल्य क्या है तो हमने कहा कि पहले 20% का लॉस हुआ तो हम कहेंगे 180% के इक्वल है अगर आपसे बोला जाए कि आपका 10% का लॉस हुआ है तो 10% का लॉस किस बात को बताता है 10% का लॉस बताता है कि आप 90% के इक्वल है एक यहाँ से जो यहाँ तक जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस कहाँ से आया सिंपल सा फंडा है अगर हमने 400 रुपये की कीमत ना बढ़ाई होती तो 10% का डिफरेंस ना आता तो हम कहेंगे यहाँ पर कितने का कितना डिफरेंस बना यहाँ से यहाँ तक 10% इस 10% पहले आपका 80% के इक्वल था क्योंकि लॉस दिया 20% और अब जो हुआ वो अभी भी लॉस है कितना है लॉस आपका 10% लॉस है तो आपका 90% के इक्वल हुआ किसकी वजह से ये डिफरेंस आया 10% का 400 की वजह से तो हम 400 को ना बढ़ाए होते तो हम कहेंगे कि 10% की वैल्यू आपकी कितनी है 400 तो दुनिया में सब कुछ क्या होता है 100% और बड़ी आसानी से हम 1 रुपये में 2 टॉपी तो 5 रुपये में कितनी टॉपी परसेंटेज के नीचे परसेंटेज आएगी मुद्राओं के नीचे मुद्रा कभी गलती से ये मत कर देना आप कि 10% की वैल्यू आपकी कितना हो गया 400 और इधर आपने कह दिया कि 100% के नीचे वाला मामला कितना होगा तो ये कभी सत्य नहीं होगा हाँ इसकी जगह आप ये मामला बना सकते हो आप कहते हो कि नहीं नहीं मैं ऐसा करूँगा आपके 400 रुपये यदि 10% के बराबर हैं तो आपको बताओ 100 यानी परसेंटेज के नीचे परसेंटेज आएगा चाहे कैसे भी करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 10% के बराबर 400 है तो 100% के बराबर क्या या फिर 400 रुपये 10% है तो प्रतिशत के नीचे प्रतिशत आया ये कभी नहीं होगा कि 1% यहाँ एक यहाँ पहुंच जाए तो ये संभव नहीं है ये बात समझ में आ रही है ना एकदम क्लियर अब देखो क्या करेंगे जनाब 1 रुपये में 2 टॉपी तो 5 रुपये में कितनी ये कितना आ जाएगा 10x ये कितना आ जाएगा आपका 100 और ये कितना आ जाएगा 400 जीरो से जीरो रहेगा कितना आ जाएगा x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4000 तो हमारा सीपी कितना होगा 4000 और इसकी जगह आपसे पूछा हो तो बताओ पहले किसकी कीमत क्या थी पूछ सकता है कि पहले इसकी कीमत क्या थी तो कीमत क्या 20% लॉस के साथ बेचेगा तो यहाँ कहेंगे आपका कितना रह जाएगा 80% यहाँ पर इससे बाद वाली कीमत क्या रही होगी उसने पूछा होता तो 10% आपका लॉस हो जाएगा तो कितना बचेगा 90% यहाँ पर हम रख देंगे फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले और हम आगे बढ़ते हैं ठीक है जल्दी जल्दी चलती फटाक से ले स्क्रीनशॉट बढ़िया सा क्वेश्चन है बढ़िया कुछ बने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया ले लिया चलो अब आगे बढ़ते हैं अब देखें इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अभी हम क्वेश्चन टाइप नहीं आ रहे क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं सिर्फ इतना बता रहे हैं कि परसेंटेज होता क्या है अभी कराएंगे टाइप कराएंगे क्वेश्चन कराएंगे सारी बातें होंगी बहुत बढ़िया बढ़िया बातें होंगी अच्छी अच्छी बातें होंगी हर दिन वीडियो मिलेगा आपको कोशिश करेंगे हर दिन मिले अच्छी अच्छी चीज़ें मिलें और व्यापम वालों के लिए स्पेशल चीज़ें हैं कि उन्हें और अच्छा मिलेगा सीजीएल वालों को तो अच्छा मिलता ही हमेशा से मिलेगा ही ठीक है व्यापम वालों को और अच्छा मिलेगा ठीक अब देखते हैं अब देखते हैं आपसे बोला कि इसकी कीमत जो भी था मैं नहीं पता परसों क्या किसी वस्तु को बेचते समय उसे 10% लॉस हो रहा है कितना लॉस हो रहा है 10% लॉस अब उसने प्राइस को कितना कर दिया मान लो उसने प्राइस को बढ़ा दिया 280 मान लेते हैं पल के लिए 280 से उसने बढ़ा दिया पहले कितने का प्रॉफिट था उसे पहले कितने का लॉस था 10% उसकी कीमत को उसने कितने से कर दिया 280 रुपये से कीमत को बढ़ा दिया अभी भी क्या हो रहा अब इसे क्या होने लगा प्रॉफिट होने लगा और कितने का प्रॉफिट होने लगा अब इसे प्रॉफिट होने लगा 4% पहले इसे 10% का क्या था जनाब पहले इसे 10% लॉस था अब इसे कीमत को बढ़ाने से कीमत कितनी बढ़ा दी इसने कीमत 280 रुपये बढ़ा दिया इससे इसे कितने का लाभ होने लगा इसे लाभ होने लगा 4% का इसने आपसे क्या पूछा इसने आपसे पूछा बताओ इसका सीपी क्या है सीपी क्या है सीपी बोले तो सीपी अभी अभी बताया कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कुछ लोग बाद में समझ पाएंगे बताया ना कि सीपी क्या है सीपी का नॉट प्लस नहीं है सीपी क्या है क्रय मूल्य ठीक है अब आ जाओ 10% का आपका लॉस हुआ तो कितना हो जाएगा आपका 90% यहाँ से आप देखिए यहाँ से यहाँ तक आप देखिए 104% किसकी वजह से डिफरेंस आया है यदि हम 280 कितना आया 280 रुपये को हमने ना बढ़ाए होते कितना बढ़ाया 280 डिफरेंस कितने का आ गया आपका 14% कितना तो हम कहेंगे 14% की वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 280 तो दुनिया में जो भी है सब कुछ क्या होता है 100% क्या ये बात पकड़ पा रहे हो ये बात समझ आ रही ना अच्छे से बहुत सब कुछ सिंपल है सब कुछ दुनिया में जो भी है सबको 100% है देखो 10% लॉस हुआ है तो 90% के इक्वल कब हुआ अब देखो
जैसे इसने कीमत को बढ़ा दिया, नीचे से कितने कितने का दिया, 280, 280 रुपए की वजह से क्या हुआ, 4% प्रॉफिट होने लगा। यानी 4% प्रॉफिट का मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक जो डिफरेंस बना वो कितने का बना, 14% का। तो 14% का जो अंतर आया 280 की वजह से, 14% इसके बराबर, इसके बराबर कितना आ जाएगा, और आंसर आ गया होगा। अब तो आँखों की, आपकी आँखों में एक चमक आ गई शानदार से, पहले ही आ गया होगा। कितना बन गया एक्स इक्वल टू, कितना आ जाएगा आपका 2000। बताओ उसमें कहाँ प्रॉब्लम है, कोई ऐसी संकट, कोई दुख, कोई दर्द जो आपको रह रहे के सता रहा, कोई प्रॉब्लम हल्का सा भी कुछ है नहीं। तो हम आगे बढ़ने, यहाँ तक हमारी बातें हो गई, जो बताना था कि परसेंटेज होता क्या असल में, कि परसेंटेज क्या होता है क्या नहीं होता है, छोटी छोटी सी बातें कर चुके। अब हम आते हैं सीधा सीधा टॉपिक पर। अभी तक मैंने परसेंटेज स्टार्ट नहीं किया, स्क्रीन शॉट ले लिया ना, हो गया। चलो अब देखते हैं, बढ़िया। अब रक्षाबंधन के बाद कौन सा त्यौहार आएगा, दिवाली। अब दिवाली की तैयारी करना आराम से, सोते सोते अभी सदमे में बैठे होंगे रक्षाबंधन से, तो वीडियो देखना भी आए होंगे, घर के लड्डू खाओगे आराम से और वीडियो देखते जाना, ठीक है। क्योंकि अभी तुम क्लास तो आ नहीं सकते, पढ़ सकती नहीं है, मन नहीं करेगा अभी ज़्यादा देखने का, ठीक है। आराम आराम से देखना, आराम आराम से, कुछ छूट जाए तो बताना। चलो अब आते हैं टॉपिक पर। तो टॉपिक पर आते हैं, सबसे पहला टॉपिक परसेंटेज वाला टॉपिक देखें। अब आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, चलो आ जाओ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा अभी, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है, उसने बोला हुआ है कि 70% लड़कियां, अगर 70% इसमें लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे हमारे, 30%। उसमें दिया है गर्ल्स के बारे में दिया कि 70% कौन है गर्ल्स, और 70% अगर गर्ल्स हैं तो लड़के कितने होंगे जनाब, 30%। और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू या तो इसका दिया या इसका, उसने क्वेश्चन में बोला है कि एक स्कूल में 70% लड़कियां हैं, और फिर आगे चल के दिया है कि लड़कों की संख्या 510 है, तो बताओ इस स्कूल में कुल कितनी लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर टोटल स्टूडेंट कितना। तो हम क्या करेंगे कि हमें दिया हुआ कि लड़कियों की संख्या अगर 70% है तो लड़का हमारा स्वाभाविक सी बात है आपका 30% रहेगा, क्लियर है। अब देखो लड़कों की संख्या दी है, लड़कों की संख्या दी है कि लड़कियों की संख्या दी है, उसने बोला है कि 510 इसके अंदर कौन है लड़की, तो इनडायरेक्ट उसने दिया हुआ कि ये 30% के बराबर, कितना दिया आपका 30% की जो वैल्यू है वो आपके 30% यानी 510 के बराबर है, वो हो गया क्वेश्चन खत्म। तो हम कहें 30% इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका इतना, तो दुनिया में जो भी होता है सब कुछ क्या होता है 100% आ जाए। देखो तो हम क्या करेंगे, ऐसा ही कुछ मामला बनेगा, और 510 जीरो से जीरो उड़ेगी, 300 उड़ेगा, जीरो से जीरो उड़ गया ना, 300 उड़ेगा कितना, और आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। हाँ अब आपको अगर 30% कहाँ दिया है, दुनिया में सब कुछ 100% है, अगर 70 ये चला गया गर्ल्स के लिए तो बॉयज के लिए कितना रह जाएगा 30%। सिंपल सा नोट कर लिया, बड़ा सिंपल सा स्वीट सा क्वेश्चन होता है पता, कहीं कुछ होता नहीं है, बढ़िया बढ़िया आराम से करते चलेंगे, ठीक है। करोड़ों क्वेश्चन करेंगे, जितना ज़्यादा रेस्पॉन्स मिलेगा उतना ज़्यादा अच्छा करेंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा रेस्पॉन्स उतना, क्योंकि तुमसे हमें एनर्जी मिलती है पता है तुम्हें। हाँ चलो आ जाओ, बढ़िया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सब कुछ आपको दिख रहा है, आपके हाथों में सब कुछ, देखें। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, उसने क्या बोला क्वेश्चन नंबर सेकंड में, उसने बोला है कि एक फल विक्रेता है, ठीक है, फ्रूट सेलर है, उसने क्या किया कि उसने 40% क्या कर दिया, इसने सेल कर दिया। अगर 40% सेल कर चुका है तो इसके पास बचा हुआ कितना है, उसने बोला है कि 40% सेब बेच दिया है और 420 अभी भी बाकी बचा हुआ है, 420 अभी भी बाकी बचा हुआ है। तो हम कहेंगे कि 40% चला गया तो बचा कितना हमारा 60%, और ये जो दिया वहाँ पर संख्या दी है कितना दिया 420, और दुनिया में सब कुछ क्या होता है 100%, टोटल पूछा हुआ है क्या करेंगे जनाब, और आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, ये समझ आ रहा है ना, बड़ा सिंपल है, जीरो से जीरो जाएगा, 6 से कितनी बार 7 बार जाएगा, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका। हाँ आपसे पूछा होता कि यदि इसने कितना सेव बेचा तो हम 100% की जगह रखेंगे 40%, इतना सा अंतर है। हाँ बेचने कितना बेच दिया और जितना नहीं बेचा इन दोनों में डिफरेंस होता तो 20%। कुल मिला के अभी क्या पूछा आपसे कि 40 बेच दिया तो बचा कितना 60, और 60% का मान हमें दिया हुआ है कितना 420। बात है क्लियर है, एक स्क्रीनशॉट हो जाए फटाक से, बाद में नोट करना, बार बार देखना वीडियो, फिर देखना आराम से, नोट करना आराम से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम से चलेंगे थोड़ा सा, ठीक है, हो गया। चलो अब देखते हैं, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, पहले टाइप का फर्स्ट में हम टाइप दो ही पढ़ेंगे, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप,
सिर्फ दो ही टाइप पढ़ेंगे, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे हम। अब देखो उसमें दिया, अगले में दिया आपको कि अगर किसी नंबर का 25% से कम कर दिया जाए तो वह नंबर जो है वो 225 हो जाता है। अगर किसी संख्या से 25% कम कर दें तो वो संख्या 225 हो जाती है। वो चाहता है तो बताओ 375 जो है वो कितना है, 375 जो है वो आपसे बताओ तो उस संख्या को कितने कितने प्रतिशत से इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर 375 इसका रेट रखा जाए, कीमत रखा जाए, नंबर बढ़ा दिया जाए, जो भी एक्सपायर बोला है, इधर आ जाओ। चल देखते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है ना, बढ़िया। हम कहेंगे अगर 20% आपका उड़ गया तो बचा कितना, आपके 25% उड़ गया तो आप क्या कहोगे कितना बचा हुआ है। दुनिया में सब कुछ क्या होता है 100%, यहाँ से आपका 25% उड़ गया तो आप क्या कहोगे क्या बचा आपके पास 75%। तो हम कहेंगे कि 75% की जो वैल्यू है वो आपका इतना होगा। अब उसने बोला है कि 375 पर क्या होगा, तो हम कहेंगे कि 375 को देखते हैं कि 375 वाला मामला 100 से कितना अधिक होता है। 100 से जितना अधिक होगा वही आपका मामला क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और यदि 100 से कम हुआ तो लॉस होगा। 75 से जाएगा कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 से जाएगा कितनी बार जाएगा, 125। यानी x की जो वैल्यू निकली है वो 125%। यानी आपका इसका मतलब है कि 25% आपका क्या होगा, 25% आपको प्रॉफिट होगा, 25% आपका प्रॉफिट होगा। इतना अब यहाँ तक हमने जो बातें देखी हैं जो की हैं वो हमारा फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गया। अब इसी का हम सेकंड टाइप लेते हैं। सेकंड टाइप बहुत महत्वपूर्ण, एक बार दिमाग में रखना, बहुत ही प्रभावी है सेकंड टाइप। सेकंड टाइप इतना ज़बरदस्त है कि आप कहोगे कि बार बार, आप बार बार देखोगे कि बार बार क्यों आए, ठीक है कि बार बार ये क्यों, ठीक है बार बार देखोगे बार बार। अभी हमने देखा, अभी कुछ भी नहीं देखा, अभी जरा सा देखा है, बा मुश्किल, ठीक है जरा सी बातें हुई हैं और जरा सी बातें। एक काम करते हैं, फर्स्ट टाइम में हमने इतना देखा है, देखते हैं कि कुछ फर्स्ट टाइम में कुछ और मामला बन सकता है, क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण कड़ी है इसकी वो आपका है पार्ट टू, फर्स्ट पार्ट नहीं। तो फर्स्ट पार्ट से आपको इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही हम करते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जैसे ही सेकंड वीडियो डाले, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, वो तत्काल आपको दिखाई देगा। फर्स्ट में मुझे आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देना था। सेकेंड टाइप जो रहेगा वहाँ से मान के चले कि अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है, ओके, बाय बाय।